हेलो देयर, मैं हूं कुमार सोनल। इस वीडियो में हम लोग ये समझने वाले हैं कि क्या ओवरथिंकिंग जैसी कोई चीज़ सच में होती है या ये बस एक इजाद किया गया है हमारे द्वारा, एक नया चीज़। देखिए, पहली बात तो ओवरथिंकिंग जैसी कोई चीज़ सच में होती है या नहीं, ये आप इस वीडियो के एंड तक तय कर लीजिएगा, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। मैं यहाँ पे अपना पक्ष रख रहा हूँ, ठीक है। देखिए, अगर दिमाग हर वक्त कुछ ना कुछ सोच रहा है, आप हर वक्त कुछ ना कुछ इधर में उलझे हुए पड़े हो अंदर की दुनिया में ज़्यादा, तो इसका मतलब है कि दिमाग सही काम कर रहा है ना। आप सोचिए कि एकाएक आप सुबह उठते हो, ब्लैंक, इधर कुछ भी नहीं। यही होता है ना, जब हम लोग बोलते हैं कि मेमोरी लॉस है, उस टाइम पे यही तो होता है कि कुछ इधर ये अंदर का दुनिया पूरा ब्लैंक हो गया रहता है, तो हमें याद ही नहीं रहता कि सामने वाला कौन है कौन नहीं, वगैरह वगैरह। और यही चीज़ जब हम लोग उठते हैं पता चलता है कि अरे ये काम है, अरे वो काम है। हम लोग हो सकता है थोड़ा सा थके हुए जैसे उठें, ये सब चीज़, लेकिन फिर भी इसी को ही लोग ओवरथिंकिंग कहते हैं। जब आप कोई काम कर रहे हो और उस वक्त कुछ और इधर में चल रहा है, तो ये ओवरथिंकिंग नहीं है, ये है कॉन्सेंट्रेशन का कमी होना। शीला प्रभुपाद कहते हैं कि जब मैं पानी पीता हूँ तब मैं सिर्फ पानी ही पीता हूँ। इसका अर्थ ये है ना कि जब आप जो काम कर रहे हैं उस वक्त के लिए, उस मोमेंट के लिए सिर्फ उसी काम में इंडल्ज रहिए। यहाँ पे अगर आपको सक्सेस होना है इस दुनिया में तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। और आप सोचिए, खाली बैठने से ही चिंता इधर घुसता है तरह तरह का, कि अरे ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, वो नहीं हुआ तो क्या होगा। अरे ये व्यर्थ की चिंताएं छोड़िए और आप अपने हिसाब का कोई काम कम से कम करते रहिए, इफ़ यू आर अबव 21। और मैं ये सब चीज़ें अपने पिछले बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूँ, तो इसलिए उस चीज़ को तो मैं रिपीट नहीं करूँगा, बट यहाँ का मुद्दा अभी लेके चलते हैं। अगर आपका माइंड हर वक्त सोच रहा है, हाँ कई बारी ज़्यादातर का ऐसा होता है कि माइंड जो है ना वो पास्ट में ही चल रहा होता है, इसलिए मैंने एक पिछले वाले वीडियो में कहा था कि हम लोग ज़्यादातर अपने पास्ट में ही जीते हैं, वो चीज़ को बंद कीजिए, वो सही नहीं है। और इस चीज़ को आप ठीक कर सकते हैं वैसा हैबिट डाल के। देखिए, हमारा हैबिट ना बड़ा कमाल का रहता है। सोचिए, जब आपने पहली बार बाइक चलाना या कार चलाना सीखा था तो शुरू शुरू में आप देखते थे कि अरे किस तरफ मैं मोड़ रहा हूँ, अगर कार चला रहे थे तो किस तरफ मोड़ रहा हूँ, ब्रेक सही चल रहा है या नहीं, और आपको ABC याद रखना पड़ता था कि अरे एक्सेलरेशन पहला वाला, और ऐसा करके आप याद रखते थे। एक बार जब आप हैबिट हो जाता है उस चीज़ का आपको, तो क्या आपको याद रखना पड़ता है? उस वक्त तो अगर अचानक से भी कोई आदमी आ गया या ये आ गया ना, तो आपका पैर अपने आप ब्रेक को दबा देगा, अपने आप चाहे सामने किसी से बात कर रहे हो या कुछ। बाइक में भी ऐसा ही है, जब शुरू शुरू आप सीखते होगे तब तो कई बारी सामने कोई खड़ा है तो ये सूझ ही नहीं रहा होता है कि पैर में ही पीछे वाला ब्रेक है ना। लेकिन धीरे धीरे कैसा होता है कि पीछे किसी को आप बैठा के चल रहे हो, बात बात करते हुए चल रहे हो, अपने आप ब्रेक भी लग जा रहा है, अपने आप क्लच भी लग रहा है, अपने आप गियर भी शिफ्ट हो रहा है, सारा चीज़ अपने आप हो रहा है। तो ये ऑटोमेटिक चीज़ इसलिए हो रहा है ना क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड इसने उस चीज़ को ऑटोमेट कर दिया है जो कुछ टाइम पहले तक मैन्युअली हो रहा था। तो कहने का मतलब ये है ना कि आपका हैबिट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आप आगे चल के कैसे होने वाले हैं। और देखिए, फ्यूचर डिपेंड करता है हमारे प्रेजेंट में, क्योंकि फ्यूचर बोल के कुछ होता ही नहीं है। पास्ट वो होता है जो प्रेजेंट हमारा बीत गया है, वही पास्ट है, और जो आने वाला है वो जब आ जाएगा तो वो प्रेजेंट ही होगा। तो इसीलिए देयर इज नो फ्यूचर। बट टू डिफाइन द कमिंग प्रेजेंट वी हैव इन्वेंटेड दिस टर्म एज फ्यूचर, दिस इज द एंटायर मैटर। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो ओवरथिंकिंग। आप अगर ज्यादा से ज्यादा सोच रहे हो तो ये अच्छी बात है, लेकिन हाँ, इस चीज को बस एक दिशा देने की जरूरत है। जैसे आप जब कुछ कर रहे हैं उस टाइम पे कुछ और दिमाग में नहीं चलना चाहिए, उस टाइम पे वही चीज चलना चाहिए या उससे रिलेटेड कुछ चीजें चलनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं कि पानीपत का युद्ध हुआ था और वो युद्ध ऐसा रहा होगा, उस वक्त में अगर दिमाग में कोई युद्ध का सीन चल रहा है कि इस तरीके से तलवारबाजी हुआ होगा, एकदम चारों तरफ खून बिखरा पड़ा होगा, तो ये सही है, फिर तो आपका दिमाग बहुत अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन उस वक्त अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि अरे पहले तो हमारा भी झगड़ा हुआ था, अरे उसने मुझे ऐसा बोल दिया था, तो यहाँ पे गड़बड़ है, इस चीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा। बाकी आप अगर इस तरीके से अपने दिमाग को ट्रेन कर लोगे ना कि जब आप जैसा चाहते हो तब ये उस हिसाब से चले,
ये 100% तो नहीं होगा लेकिन 90% तक हो सकता है। तो पता है आपका दिमाग इतना अच्छा अच्छा सजेशन आपको देगा ना, जो एक्चुअली में आपके काम का होगा। जैसे जब आप खाली बैठे होगे तो उस वक्त आपके दिमाग में ये नहीं चलेगा कि उसने मुझे ऐसा बोल दिया था और फिर ऐसा हो गया था, या इसने मेरे साथ खराब व्यवहार किया, उसने अच्छा किया था तो मैं इसके साथ रिश्ता नहीं रखूंगा वगैरह वगैरह, या उसने उधार लिया था अब तक दिया नहीं, ये सारा चीज़ नहीं चल करके, बल्कि ये चलेगा कि अरे ये काम बहुत सही हो रहा है, इसमें ना ये चीज़ और जोड़ दूंगा तो और अच्छे से हो जाएगा। जैसे आप अगर टीचर हैं या फिर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं या फिर अपना खुद का कुछ काम है, अब जो भी चीज़ है, या पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये चीज़ घूमेगा कि अरे वहाँ का मैंने इतना तो कर लिया है, बस इतना सा पोर्शन और रह गया है, उसको अगर कर लूँगा ना तो ये पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा, ये सब चीज़ आपके दिमाग में चलने लग जाएगा। देखिए दिमाग को अगर आप ट्रेन नहीं करोगे ना अभी, तो यही दिमाग आपको खा भी जाएगा बिल्कुल। वो जो कहते हैं ना ये चीज़ कि मुझे तो चिंता खाए जा रही है, ये चिंता नहीं खा रही है, ये आपका दिमाग आपको खा रहा है, क्योंकि आपका दिमाग आपको गलत सजेशन दे रहा है जो देना नहीं चाहिए उसे, लेकिन आपने इसी तरीके का हैबिट उसमें फिट कर दिया है तो वो वैसा ही फंक्शन कर रहा है। ठीक है, ये दिमाग हमारे हिसाब से चलना चाहिए, जबकि कहते ये हैं बायोलॉजी में कि ये इस पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, ये सच बात है, लेकिन पूरा बॉडी एज अ होल ये आप हो, और आपको इस तरीके से इसे ट्रेन करना होगा कि ये आप जब जो चाहें तब ये वो चीज़ करे। जैसे अभी मेरा हाथ आपको हिलते हुए दिख रहा होगा, मेरा मुंह चलते हुए दिख रहा होगा, तो मैं ऐसा चाह रहा हूँ तो इसलिए ऐसा हो रहा है ना। कई बार आप देखना कि हम लोग एक सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं, गुस्सा नहीं करना चाह रहे हैं, फिर भी ज़बरदस्त गुस्सा आता है, और जब आता है सारा सुध-बुध खो देते हैं हम लोग, और उस वक्त कुछ ऐसा कांड कर बैठते हैं जो इररिपेयरेबल है, रिपेयर नहीं हो सकता वापस, और कई बार उसका कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत ज़्यादा हजार्डियस होता है जो हमारा पूरा करियर को ख़त्म कर देता है। लेकिन अगर वहीं पे आप ठहर जाओ कि नहीं ठीक है, तुमने ऐसा किया मेरे साथ वैसा किया, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बाद में देखूंगा, अभी नहीं, अभी मुझे ये जो दिमाग है ना ये दूसरे तरफ लगाना है, तो इसका मतलब है कि आपका दिमाग पूरे कंट्रोल में है आपके। और इस तरीके से जब दिमाग ट्रेन रहे ना, तो फिर स्वर्ग यहीं पे मिल जाएगा आपको, क्योंकि फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका एनवायरनमेंट कैसा है, लेकिन आप हमेशा शांति में रहोगे, क्योंकि आपका दिमाग आपको शांति में रहने देगा, आपका दिमाग आपको हमेशा सही चीज़ सजेस्ट करेगा। देखिए इस दुनिया में किताबें, हमारे माता पिता, फिर हमारे जितने भी सही गुरुजन हैं, हाँ सही गुरुजन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल गुरु तो रह नहीं गए हैं, टीचर्स हैं और वो एक तरीके के बिजनेसमैन हो गए हैं आजकल, लेकिन जो भी थोड़े बचे कुछ ऐसे हैं वो जो हमारा एक्चुअल में भला चाहते हैं, उनका सजेशंस आप लें, उसमें भी एक फिल्टर लगा के रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि वो अपने हिसाब से सजेशन देते हैं जो वो आपका भला सोच के ही देते हैं, लेकिन कई बार वो आपके लिए कारगर नहीं होता है, तो वहां पे आप फंस सकते हो। इसलिए ध्यान से किसी का भी सजेशन को एक्सेप्ट कीजिए, और वो भी फिल्टर के बाद। ठीक है, जैसे हम लोग पानी बिल्कुल साफ़ है, एकदम अच्छा है, लेकिन फिर भी हम लोग छन्नी लगाते हैं, है ना, फिर भी फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि उसमें से भी जो खराब पानी जो पास आउट होता रहता है वो हमें समझ में नहीं आता कि वो खराब पानी है या नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग लगा के रखते हैं। तो ऐसे ही ये सबसे बड़ा फिल्टर है, इसको काम में लाइए, और इस तरीके से जब आप करोगे ना तो हाँ ठीक है, नुकसान या फिर कभी टेंस्ड रहना, ये रहना, ये तो होगा, क्योंकि अगर आप किसी के लिए सच में कंसर्न्ड हो और वो कहीं पे खराब चीज़ों में इंडल्ज हो गया है या फिर कहीं फंस रहा है तो आप परेशान तो हो गए ही, वो बात अलग है, लेकिन आप अपने हिसाब का जो भी काम है ना वो आप कर पाओगे, इसमें आपको कहीं से भी बाधा नहीं लगेगा, और आप अपने हर एक सेकंड का प्रॉपरली यूटिलाइजेशन कर पाओगे। अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि ओवर थिंकिंग करके कुछ होता भी है या नहीं। अपना कमेंट ज़रूर दीजिए ताकि मुझे समझ में आए कि आपको इस बारे में क्या लगता है, क्योंकि आपका फीडबैक भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए इसी से तो हम लोग कनेक्ट हो पाएंगे ना, तभी तो हम लोग एक परिवार की तरह जुड़ पाएंगे। जुड़ने के लिए फिलहाल तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर लीजिए, और देखते रहिए थॉट्स ऑफ सोनल।